हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं 2.4 प्रैक्टिस सेट 2.4 के थर्ड सम की ओर। तो क्या है ये सम, जरा देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x+3 = 0 यूजिंग फार्मूला। हम लोगों को वही सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे बाद में कि कंपेयर इक्वेशन विद दिस, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। जैसे हम लोग अभी तक फार्मूला मेथड से सॉल्व करते आ रहे थे, उसी तरीके से हम लोगों को ये सम को भी सॉल्व करना है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूँ, हम लोगों को जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे उसी तरीके से हम लोगों को ये सम करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, x² + 2√3x+3 = 0। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, ax² + bx + c = 0 से। अब क्या करना है हम लोगों को, ए हम लोगों का इक्वेशन क्या था वो देखो, x² + 2√3x + 3 = 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा हमारा, 2√3, c कितना है हमारा, 3, कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है। तो अब देयरफॉर हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसके बाद में, b² - 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, 2√3² फिर माइनस 4 × a, ए कितना है हमारा, 1 है, फिर इंटू सी कितना है हमारा, 3 है। अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 माइनस 4 × 3 = 12, फिर उसके बाद में 4 × 3 = भी कितना होता है, 12 माइनस 12 = b² - 4ac कितना हो गया हमारा, 0 आ गया। अब ये जैसे ही 0 आ गया वैसे ही हम लोगों को अगला स्टेप्स पे आना है। तो क्या है हमारा अगला स्टेप, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। अब हम लोग फार्मूला लिख देंगे इसका। तो क्या है हमारा फार्मूला, x = -b + or - √b² - 4ac / 2a, ठीक है, माइनस b, b कितना था हमारा, 2√3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना, 2√3 प्लस ये b² - 4ac, नाउ वी हैव फाउंडेड, तो ये कितना था, 0, और ये 2 × a, a कितना है हमारा, 1 है, तो ये मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब माइनस 2√3, ये प्लस और माइनस है, सॉरी ये प्लस और माइनस है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस, अपॉन 2, ये 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, हमारा ये 2 और ये 2 विल गेट कैंसल, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या बचता है यहाँ पे, x = यहाँ पे हमारा बच रहा है -√3, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को फाइनल आंसर इसका लिखना है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों का 2 आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना, तो प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है, ये साइन रहेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे ना हम लोगों को बोला भी था ये लोगों ने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फिर राइट द फॉर्मूला, फिर सब्स्टिट्यूट, हम लोगों को ये फाइनल आंसर इसमें शो करने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो द वैल्यू ऑफ b² - 4ac = कितना था हमारा, 0, फिर देयरफॉर हम लोगों को और क्या लिखना है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और कितने हैं वो, -√3 और -√3,